इसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें हमने पहले देखा था कि ए ग्रुप को वालों ड्रग ए दिया है और ए डैश इसका इफेक्ट आता है, और बी ग्रुप को ड्रग बी दिया है तो बी डैश इफेक्ट आ रहा है। सो इसको हम एक मशीन में डालते हैं जिसमें पी वैल्यू मिलती है। तो एक मशीन क्या होती है, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं जो पी वैल्यू को डिराइव करने के लिए होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फार्मूले लिए जाते हैं हर एक डेटा के लिए, जैसे कि हम अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं फ़ोन में वैसे ही। तो इस बेसिस पे अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसको हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो वही इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही हम पता लगाते हैं ना कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसीलिए हम इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या आएगा कि व्हाट टेस्ट हम चूज़ करेंगे कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। और अगर क्वांटिटेटिव और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है तो उसके लिए भी हो सकता है, वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाती है। सो फर्स्ट है टेस्ट, टी टेस्ट। एक्चुअली बाकी चीज़ें पूछी जाती है, सिर्फ ये वाला नहीं पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। सो फर्स्ट टी टेस्ट हम देख रहे थे। तो टी टेस्ट पेयर्ड वाला होता है, ये किसके लिए होता है, अलग अलग सिचुएशंस हम देखेंगे उसके लिए हम दोनों साइड में टेस्ट देखेंगे। सिंगल ग्रुप के लिए अगर टेस्ट करना है तो टी टेस्ट पेयर्ड वाला हम करते हैं, और अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देना है तो वो मैकनेमर टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, एग्जांपल है इसका, ए पॉपुलेशन को हमने ड्रग दिया फिर बी इसका इफेक्ट हुआ। तो प्री जो सिचुएशन थी वो ये है, और ड्रग में इंटरवेंशन हो गया, और ये बी वाली जो है पोस्ट सिचुएशन हो गई, लेकिन सेम पॉपुलेशन है इसलिए ये पेयर्ड वाला टेस्ट है। नाउ अगर टू ग्रुप्स रहते हैं ना तो इसमें टी टेस्ट किया जाता है इंडिपेंडेंट या अनपेयर्ड वाला, ठीक है। और अगर थ्री ग्रुप्स या उससे ज़्यादा होंगे तो एनोवा किया जाएगा, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस जिसको होता है। जबकि सिंगल ग्रुप में ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हम आए तो मैक्सनेमर टेस्ट किया जाएगा, टू ग्रुप्स में अगर करेंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट किया जाएगा जिसको एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और थ्री ग्रुप्स या उससे ज़्यादा होंगे तो क्रशर वैलीज टेस्ट करेंगे। यही बेस्ट ऑप्शन होता है चूज़ करने के लिए, लेकिन अगर ये ना दिया हो तो फिर काई स्क्वायर फ्रॉम ट्रेंड सम मार्क कर सकता है, ये कभी कभी किया जाता है। नाउ एडवांस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस एम्स के लिए हैं। तो अगर फर्स्ट लार्ज सैम्पल है एंड ग्रेटर देन 30 है तो जेड टेस्ट हम करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ नाम चेंज हुआ है, फॉर्मूला सेम रहता है। एग्जांपल हीमोग्लोबिन अगर ले रहे हैं 100 पीपल के लिए तो क्वांटिटेटिव और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला होगा, तो बेस्ट ऑप्शन इसका जेड टेस्ट होगा। लेकिन टी टेस्ट भी हम मार्क कर सकते हैं इन केस अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्योंकि एक टाइप ऑफ टी टेस्ट ही होता है सिर्फ लार्ज सैम्पल के लिए। ना सेकेंड, ऑर्डिनल डेटा के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, रैंक टेस्ट करते हैं या विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट करते हैं, और ये दो टाइप्स का होता है, एक सम वाला होता है एक साइन वाला होता है। सम वाले को हम अनग्रुप्ड में करते हैं, एंड साइन वाले को हम ग्रुप्ड डेटा में करते हैं। नाउ थर्ड है नॉर्मलसी ऑफ डेटा, इसको हम चेक करते हैं बाई कॉलमेग्रन स्मिरनोव टेस्ट, ठीक है, कॉलमेग्रन स्मिरनोव टेस्ट करते हैं नॉर्मलसी ऑफ डेटा में। फोर्थ है आउटलायर्स, आउटलायर्स को हम कैसे चेक करते हैं, डिक्सॉन क्यू टेस्ट से। नाउ फिफ्थ है इंटरवल कंसिस्टेंसी ऑफ क्वेश्चनेयर, इसको हम कैसे करते हैं, क्रोनोबैच अल्फा स्कोर से करते हैं, क्रोनोबैच अल्फा स्कोर। नाउ सिक्स्थ है कंपेयरिंग न्यू टेस्ट विद ओल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड स्टैंडर्ड से अगर न्यू टेस्ट को कंपेयर करना है तो ब्लांट आल्टमैन टेस्ट करते हैं, ब्लांट आल्टमैन टेस्ट। नाउ लेवल ऑफ एग्रीमेंट कैसे देखते हैं हम, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चनेयर हो सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, तो कप्पा टेस्ट इसके लिए हम करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व लेवल ऑफ एग्रीमेंट माइनस एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एग्रीमेंट अपॉन वन माइनस एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एग्रीमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो ये था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।